सिद्धू की माता की पोस्ट से बोले सेहत मंत्री पंजाब, कहा कि सानू भी है सिद्धू के जाने का बहुत दुख। सिद्धू मूसेवाला के परिवार ते प्रशंसक उस दिन तो गम दे माहौल नू भोग रहे ने जिस दिन तो सिद्धू गया है, ते सिद्धू नू इंसाफ दी मंग नू लेके लगातार अपील भी कर रहे ने। कल एक पोस्ट सिद्धू मूसेवाला दे माता वालों इंस्टा उपर शेयर की गई जिस दे विच कुछ भावुक गल्लां लिखियां होईयां सी, जिन्हां नू पढ़ के हर एक प्रशंसक दे अखां दे विचों हंझू आ जांदे आ, क्योंकि जदों एक माँ अपने पुत दे वैराग दे विच कुछ लाइनां कुछ सत्रां लिखदे ने, वो लाइनां की ने पहलां तां वह तुहानू पढ़ के सुना दिंदे आ। इस दे विच साफ साफ लिखिया भी 3 महीने बाद साल हो जाना है तेनू गया नू, ते मैं नहीं चाहती ना मेरे च हिम्मत है तेरे खेत जाके तेनू ये आखण दी कि तेरे समर्थक हार गए शुभ। बिल्कुल माता ने जो लाइना लिखिया ने वह सच ने, क्योंकि हले तक इंसाफ नहीं मिले तो माता किहड़े मूहों इंसाफ दस देन, ते किहड़े मूहों सिद्धू नू यह भी कह देण कि तेनू इंसाफ मिल गया। उत्थे उन्हां लिखिया कि असी इंसाफ नहीं दवा सके, ये चुप चाप बैठे शासकां नूं भावें तेरी घाट ना रड़कदी होवे पर असी तेनूं घड़ी घड़ी याद करदे आं, सानूं पता तेरे जाना बहुत कुछ नाल लै गया। वो एक बंद कमरे च बैठा विकास दीआं गल्लां करी जांदा, असलियत कुछ नहीं बदलिया, शुभ मैं सच्चाई नूं बहुत नेड़ियों देखिया, तेरी मौत भुल गया वो पर सानूं याद है शुभ, असी लड़ांगे तेरे सांह रोकण वालिआं दे घटिया शेरे संसार दे मूहरे लिया के आवांगे। तो इस तरीके दियां जदों पोस्टां एक परिवार एक माँ जिसका जवान पुत इस दुनिया तो चला जाता है उसके वलों पोस्ट पाई गई, तो अज जदों गणतंत्र दिवस मौके सेहत मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह पहुँचे तो उन्होंने इस सवाल के उपर बोलदियां कहा कि सानू भी सिद्धू मूसेवाला दे जाण दा बहुत दुख है, क्योंकि होनहार बेटा सी होनहार नौजवान सी जिसने देशों विदेशों विच मानसा का नाम मूसा का नाम रोशन किया सी, पंजाब का नाम रोशन किया सी। उत्थे उन्होंने कहा कि किसी नू भी नहीं बख्शा जाएगा जो भी सिद्धू की मौत दे विच शामिल है। उन्होंने होर की कुछ किया वह भी तुहानू सुनाउने आ, पर माता का जो हाल है वह तुसी बखूबी देखते हो, तो प्रशंसकों नू भी इक्को ही अपील की है कि इंसाफ अधूरा है, इंसाफ की लड़ाई दे विच प्रशंसकों के साथ की लोड़ है। ये पोस्टां भावुक हो जांदियां ने, क्यों? क्योंकि एक माँ का उसके पुत बिना की हाल है वह एक माँ ही समझ सकती है, एक माँ का दर्द एक माँ महसूस कर सकती है जिसका जवान पुत इस दुनिया तो चला जाता है। होर की कुछ किया सेहत मंत्री ने सिद्धू की माता बारे तो सिद्धू के केस बारे वह भी सुनो। नमस्कार करता, जिस तरह सारे पंजाबी की तरह मैं भी दुख है, मतलब बच्चा की मैं शक्ल अज भी याद आती है, बट मैं एक बेनती करनी चाहता थोड़े चरणों के कि जदों 2016 के एक डी जी पी साहब की स्टेटमेंट सी कि पंजाब 57 क्रिमिनल गैंग है, तो उन्होंने घट्टो घट्ट 20-25 मैंबर है, तो ये जी पिछली सरकार से क्रिमिनल गैंग्स की जी गिनती है वह वध के मतलब 57 तो मेरे ख्याल दुगनी हो गई सी। तो ये जो क्रिमिनल गैंग्स आ असी इनहैरिट किए हैं, पहली सरकार है जी कि क्रिमिनल गैंग्स के सफाया कर लगी हुई है। माता जी का दर्द मैं समझता वा, माता जी का दर्द मैं समझदा, लेकिन उस केस के संबंधित जोड़े थे वो मेजोरिटी जोड़े है जिन्हें सारे इंडिया के गैंगस्टर से सारे फड़े जा चुके हैं, उन्होंने सारे सख्त तो सख्त सजावं मिलनी है। जोड़े 2-4 बाहर बैठे उन्होंने भी लैके आवेंगे, हाँ ये गल ठीक है कि जिस दिन उन्होंने सख्त सज़ा मिल जाएगी जो उन्होंने सज़ा मिलनी चाहिए है उस दिन शायद माता जी के कलेजे में कितने थोड़ी ठंड पेगी, क्योंकि जोड़ा उन्होंने जोड़ा बच्चा चला गया इन्ना होनहार बच्चा चला गया वो माँ कदे भी नहीं भुल सकती, मैं उन्होंने दर्द समझ सिक्योरिटी जो माता जी कहते हैं उन्होंने भी बिल्कुल जांच होगी जी, साढ़े वालों किसी भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। खास करके मैं थोड़ा एक बेनती करना चाहना कि जो साढ़े अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी की सोच है वो है कि जे कोई भी आदमी माड़ा काम करता जे कोई बंदा करता उन्होंने सज़ा मिलनी चाहिए है, तो जे उस बंदे का संबंध साड़ी पार्टी नाल है तो उन्होंने दुगनी सज़ा मिलनी चाहिए। और वो याद जी है मंडी बोर्ड वालों राम दत्ता जी सड़क है वो उन्होंने नाम से डेडीकेट की गई है, साढ़े मन के माता जी वास्ते उन्होंने पिता जी वास्ते बहुत सत्कार है, असं उन्होंने पीड़ा समझते हैं, उस पीड़ा का कोई हल नहीं हो सकता।